नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 9:20 तक रहेगी। आज रात 10:44 तक धृति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक भद्रा और शीतला सप्तमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:26 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1 बजे तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 28 जुलाई की सुबह 5:26 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:23 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:50 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1 बजे से शाम 6:32 तक, और एक बार फिर रात 8:14 से रात 12:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:30 से शाम 7:02 तक, और एक बार फिर रात 8:44 से देर रात 1:12 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1 बजे से शाम 6:32 तक, और एक बार फिर रात 8:14 से रात 12:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 जुलाई की सुबह 5:40 से सुबह 9:30 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1 बजे से दोपहर 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 28 जून यानी कल रात 10:33 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:07 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:02 से
सुबह 10:45 तक, लखनऊ सुबह 8:50 से सुबह 10:31 तक, भोपाल सुबह 9:07 से सुबह 10:46 तक, कोलकाता सुबह 8:24 से सुबह 10:03 तक, अहमदाबाद सुबह 9:26 से दोपहर पहले 11:06 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:04 से सुबह 10:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। घर पर किसी दोस्त की पार्टी का इनविटेशन आ सकता है। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है। आज आपकी बातों से लोग काफ़ी इम्प्रेस होंगे। आपको कोई बड़ा फायदा होने के संकेत हैं। माता पिता के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन साथी आज आपसे पहले किए वादे को पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। बच्चों के साथ आप कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आज आपको धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे। किस्मत के सहयोग से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। किसी पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा। बातचीत के दौरान कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपकी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी से डील करने का ऑफर मिलेगा। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग किसी कंसर्ट में हिस्सा लेंगे। घर पर अचानक किसी मेहमान के आने की संभावना है। आज आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मित्रों के साथ बैठकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेंगे। आज आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। आज आप किसी तरह के विचारों में खोए रहेंगे। बेहतर होगा बेवजह न सोचें। आय के स्रोतों में स्थिरता बनी रहेगी। आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज कोई ख़ास खबर मिलने के योग हैं। लॉ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बदलाव करने की सोच सकते हैं, जो कि उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आपको अपने खानपान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे बच्चों को पिता से कोई अच्छा सा उपहार मिलने की संभावना है। ड्राई फ्रूट का व्यापार कर रहे लोगों को आज उम्मीद से अधिक मुनाफा होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। आज सोशल साइट के जरिए नए लोगों से आपका संपर्क होगा। किसी काम के लिए योजना बनाने और फैसले लेने के लिए दिन शुभ है। आज बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक रूप से आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। दूसरों की समस्याएं सुलझाने में आप खुशी महसूस करेंगे। आज बिजनेस के किसी काम से की गई यात्रा सार्थक रहेगी। हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। नौकरी में तरक्की के उचित अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। आज आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। कार्यों में आ रही रुकावटें आज समाप्त हो जाएंगी। आज गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आज धैर्य और सही सोच आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे।
जीवन साथी आज खुश होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। व्यापार के सिलसिले में आज आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष से सुख की अनुभूति होगी जिससे आपकी खुशियां बढ़ेंगी। आज ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा जिसे पूरा करने पर आपको फायदा होगा। आपको बॉस से इंसेंटिव मिल सकता है। कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी सवाल में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन फेवरेबल है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। व्यापार में आपको अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे। आज आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। हर किसी से निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि की महिलाओं को शाम को बाहर निकलते समय अपने पर्स का खास ध्यान रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए आज आपको सम्मानित किया जाएगा। आज आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में विचार करेंगे। आज आप घर की जरूरतों का सामान खरीदेंगे। आज आप ज़्यादा ऑयली खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपको परिवार वालों का पूर्ण स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आपके कुछ मित्र बहुत ही मददगार साबित होंगे। आज ऑफिस में आपके ड्रेस की तारीफ होगी जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में काम कर रहे किसी सहयोगी से आपकी अच्छी जान पहचान होगी। आज बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। अकाउंट्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज व्यापार के मामले में आपके मन में नए नए विचार आएंगे। किसी काम में बड़े भाई की सलाह फायदेमंद साबित होगी। आज परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। आज कुछ खास लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आप अपनी समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। जीवन साथी आपकी बातों को महत्व देंगे जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। बड़े बुजुर्ग आपके फैसलों में साथ रहेंगे। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गुड़ या गुड़ से बनी कोई चीज़ खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। मूलांक 2, पैसों के मामले में आप सावधानी बरतें। किसी से उधार लेने से पहले उसके बारे में जान लें। मूलांक 3, करियर में कुछ बदलाव होने वाला है। जल्द ही आपको तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। 4, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आज आपको उसमें जीत हासिल जरूर होगी। मूलांक 5, अपने गुस्से पर काबू रखें और परिवार में सभी लोगों से प्यार से बातचीत करें। मूलांक 6, आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूर्ण कर लेंगे। मूलांक 8, आज आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी मित्र की सहायता से नई जॉब भी मिल सकती है। मूलांक 9, जो व्यक्ति कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनको आज बड़ा फायदा होने वाला है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में सुरक्षा गार्ड के कमरे और पार्किंग दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि उत्तर दिशा में सुरक्षा गार्ड का कमरा बनवाना चाहते हैं तो उसका मुख
पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में बनवाना चाहते हैं तो दरवाज़ा उत्तरमुखी होना चाहिए। दक्षिण दिशा में बनवाना है तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके कमरे का निर्माण करवाना ठीक रहता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा या फिर पूर्व व उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है। देखो, पार्किंग के लिए वायव्य सबसे अच्छी है, उसी पर फोकस करिए। वास्तुशास्त्र में होटल के बाहर पेड़ पौधे लगाने के लिए भी सही दिशा के बारे में बताया गया है। भारी और बड़े पेड़ पौधे लगाने के लिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और सबसे महत्वपूर्ण है नैऋत्य कोण। जितना बड़ा पेड़ हो दक्षिण पश्चिम की तरफ ले आना चाहिए, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट की तरफ, जबकि छोटे पौधों व गमलों के लिए उत्तर पूर्व या ईशान कोण का चुनाव करना ठीक रहता है। पूर्व में करिए, दक्षिण पूर्व में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए छोटे पौधे। वास्तुशास्त्र में इसी चर्चा होटल में सुरक्षा गार्ड के कमरे और पार्किंग की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 9:20 तक रहेगी। आज रात 10:44 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज दोपहर 1 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती का अर्थ है कुछ तारों का को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को रेवती नक्षत्र के दौरान महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य करना, घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज दोपहर 1 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज सुबह 10:26 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास मीन राशि में है तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा काल बड़ा ही प्रशस्त है। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृत योग, रेवती नक्षत्र, पंचक और भद्रा की। और अब बात करते हैं
शीतला सप्तमी की। इसके अलावा आज श्री शीतला सप्तमी है और कल शीतलाष्टमी व्रत है और कल के दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है, इसलिए आज शीतला सप्तमी के दिन कल के भोजन की तैयारी की जाती है। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग ही लगाया जाता है, मगर चावल को शीतला अष्टमी के दिन पकाया नहीं जाता है, बल्कि आज शीतला सप्तमी के दिन ही बनाकर रख लिया जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर का चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और न ही घर में खाना बनना चाहिए, इसलिए शीतला सप्तमी पर ही सारा खाना पका लिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना ही खाते हैं। देखो, ये जो बासी खाना है इसका लेना देना प्रोबायोटिक से है। जो जब आप कोई खाना बना के रखते हैं तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन स्टेट में होती है तो एक ख़ास किस्म का प्रोबायोटिक डेवलप करने की उम्मीद है, जो हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे हाइजीन से ताल्लुक रखता है। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन ही करने की परंपरा है। तो चलिए, ये थी चर्चा शीतला सप्तमी की और अब बात करेंगे आज शनिवार के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेकर पीपल के पेड़ के पास जाइए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं तो दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी चढ़ाइए और शनिदेव के इस मंत्र का जाप करिए। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियाँ भरने लगेंगी। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बाधाएं हैं, तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनि के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उनसे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके घर को किसी की काली नज़र लग गई है जिससे आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको शनिदेव के इस मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः और जाप के बाद एक नीला फूल लेकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दे। तो एक सवाल यह है कि लाल फूल क्यों ना प्रवाहित कर दे, पीला क्यों ना प्रवाहित कर दे, हरा क्यों ना प्रवाहित कर दे, सफ़ेद क्यों ना प्रवाहित कर दे, नीला ही क्यों करें? बड़ा अहम सवाल है। हर ग्रह का अलग अलग एक स्पेक्ट्रम है। अगर पीला होगा तो गुरु से संबंधित होगा, सफ़ेद होगा भगवान, अब देवताओं में देखिए तो भगवान शिव, माता सरस्वती, ये सब सफ़ेद रंग में आते हैं। जब हम नीले और काले की बात करते हैं तो बात शनि और राहु की होती है। तो जब हम शनि और राहु से संबंधित ग्रहों के उपचार की बात करते हैं तो हम नीले फूल को लेकर गंदे नाले में प्रवाहित करने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं दो ये नहीं करें गंगा जी में प्रवाहित कर दो, ना ना, साफ नदी में प्रवाहित करने को भी नहीं कह रहे, गंदे नाले में प्रवाहित कर दें, क्योंकि हर तत्व अलग अलग एलिमेंट्स में निवास करता है। इस सृष्टि में न तो कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, सब कुछ बस केवल है और यही तटस्थ और निष्प्रभाव ही हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जप के बाद
नीला फूल लेकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर को लगी काली नज़र से आपको छुटकारा मिलेगा, लिहाजा आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर और उसको अपने सामने रखकर उस पर शनिदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। कटोरी में रखे सरसों के तेल पर कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करना है और जाप के बाद उस कटोरी को ढककर एक तरफ रख दें। कटोरी में रखे इस तेल का उपयोग आपको शनिवार के दिन करना है। आज शनिवार के दिन आपको इस तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मजबूत बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए और जाप के वक्त हाथ में काले तिल लेकर रखने चाहिए। जब जाप पूरा हो जाए तो उन तिलों को अपने पास संभाल कर रख लें और आज शनिवार के दिन उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखें। आज इस प्रकार ये उपाय करने से आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मजबूत बने रहेंगे। अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में कोई अर्जी डालनी है और आपको उससे संबंधित कार्यों में परेशानी आ रही है, तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन आप किसी भी वक्त शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पाठ करते समय अपना मुंह पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। अगर आपको अपने जीवन में हर काम के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है या आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिल पाती है, तो आज के दिन आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने चाहिए और बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही शनिदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप समाज में यश और सम्मान पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए और फिर शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। आपको इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। आज शनिदेव के इस मंत्र का जप करने से समाज में आपको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ निरोगी काया की कामना करते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको गेहूं से बनी एक रोटी पर गुड़ रखकर किसी नर भैंसे को, यानी भैंस को नहीं, नर भैंसे को खिलाना चाहिए। नर भैंसे को खिलाने से ही आपके काम बनेंगे। आज के दिन इस प्रकार ये उपाय करने से आपकी सुंदर स्वस्थ निरोगी काया की कामना जरूर पूरी होगी। अब यहाँ कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई नर भैंसे की क्या जरूरत है, हम भैंसों खिला दें, आपको क्या दिक्कत है, नर भैंसे खिला दें। नर भैंसा गर्भ नहीं धारण कर सकता, भैंस गर्भ धारण कर सकती है। ये बेसिक फर्क है दोनों में। वैसे ही दोनों के रिजल्ट में भी फर्क आएगा। नर भैंसे के खाने का रिजल्ट दूसरा है, भैंस के खाने का रिजल्ट दूसरा है। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं, तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक बिंदु लगाइए और शनि मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने की प्रार्थना भी करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ शनि की मूर्ति उल्टी बनी हो। जैसे आजकल फैशन चल गया ना कि वो मंदिर खोल लो शनिदेव का, सब पैसा आने लगेगा, लेकिन उसमें शनि की मूर्ति ऐसे बना देते हैं, आप मंदिर में घुसिए तो शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो नष्ट हो जाता। तो ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पुराना टाइप का, जहाँ मूर्ति उल्टी बनी हो, यानी आप जब जाएँ तो शनि की पीठ आपकी तरफ, या शनि सिग्नापुर में चले जाएँ, वहाँ भी ठीक। तो ये सारी चर्चा थी आज धृति योग, रेवती नक्षत्र, पंचक, भद्रा, शीतला सप्तमी और शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप पैसों के लेन देन में सतर्क रहें, कोशिश करें कि कैश के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। बी, कामकाज के सिलसिले में आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, आपको किसी दोस्त की मदद भी मिल सकती है। सी, आज पूरा दिन बच्चों के साथ बिताएंगे, शाम को कहीं घूमने भी जा सकते हैं। डी, छात्रों का मन आज पढ़ाई में लगेगा, किसी प्रतियोगिता में भाग भी ले सकते हैं। ई, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जिससे आप काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। एफ, व्यापार में काफ़ी तरक्की होगी, जिससे आपको धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। जी, आज का दिन अच्छा जाएगा, आपको आज जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। एच, आज किसी करीबी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, जिससे आपका दिन खुशनुमा बनेगा। आई, आज आपका पारिवारिक जीवन शांत और खुशहाल रहेगा, संतान पक्ष से भी कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। जे, छात्रों के लिए आज का दिन बेस्ट रहेगा, पढ़ाई करने में आपका मन लगा रहेगा। के, किसी मामले में अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा, सभी लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। एल, आज किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एम, लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, साथी कहीं घूमने जा सकते हैं। एन, आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ आप खूब एंजॉय करेंगे। ओ, शादी के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग हैं। पी, कोर्ट कचहरी से जुड़े मसलों का हल निकलेगा, किसी अच्छे वकील की सहायता जरूर लीजिए। क्यू, आज बड़े भाई के सहयोग से सारे काम पूरे होंगे, आपके काम का बोझ हल्का होगा। आर, अकेलेपन की भावना से बाहर आएं, परिवार के साथ कुछ पल बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एस, अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, घर के लिए कुछ नया सामान खरीद सकते हैं। टी, सरकारी नौकरी वालों की पदोन्नति हो सकती है, मनचाहा प्रमोशन भी हो सकता है। यू, अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। वी, संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, किसी बड़े फंक्शन में भाग भी ले सकते हैं। डब्ल्यू, माता पिता के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होंगे, बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा। एक्स, किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा बेहतर सुधार आएगा। वाई, आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक जगह पर दर्शन करने भी जा सकते हैं। जेड, आज किसी बिजनेस मीटिंग में जा सकते हैं, कोई डील आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं संगमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को अरुणाय धाम भी कहा जाता है। अरुणाय धाम कुरुक्षेत्र के पिहोवा नामक स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है, उसके पास ही पुरातन काल में सरस्वती और अरुणा नदी का संगम होता था, इसी कारण इसे अरुणाय तीर्थ भी कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि इसी स्थान पर माँ सरस्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनका आशीर्वाद पाया था। हर त्रयोदशी सोमवार और सावन माह में यहाँ भक्तों का तांता लगता है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। सप्तमी तिथि आज रात 9:20 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:28 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुछ मीठा खाकर घर से निकलें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।